बैठ, अब सब कोई शोर ना करें, ठीक है। देखो कल जो है भाई, सीधा बैठ, सीधा कोई नहीं। हाँ जी, डट जाओ। ओमिशन ऑफ आर्टिकल लिखो जी अपना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। दूसरी बात सुनो पहले ध्यान से, आज आर्टिकल खत्म हो जाएगा आपका, थोड़ी देर का काम बस मेरा, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, उसके बाद देखो दूसरी बात से बताऊं स्टूडेंट्स, कि आपका मैंने एक असाइनमेंट दिया है जी, वो उसमें आपके लगभग 100 के आसपास एरर हैं जी, आपके फिरिंदा ब्लैंक्स भी हैं और आपने एरर भी निकालने उसमें से जी, ठीक भाई। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ आपको सोल्व कराऊंगा, उसके बाद सारे घर सोल्व करके रहना सारे जी, कल नहीं उसी में जो फेर में पेश कर रहे उसको फिर मैं कल आपको बता दूंगा कहाँ ठीक है कहाँ कौन से गलत है जी आपके, पहले आपने आप ट्राई करना जी आपके, ठीक भाई। कल चेक करके फिर आपका परसों से शुरू करूंगा, बिल्कुल ए फॉर एप्पल से सारी बातें जी आपकी, ठीक है, बिल्कुल ए फॉर एप्पल से बताऊंगा, चिंता मानो सर जी, आपको हर चीज का लॉजिक बताऊंगा, हर एक चीज का जी आपका, ठीक है। और इसलिए मेरा सभी लोगों से गुजारिश है, एक रजिस्टर बना लो सारे बढ़िया डबल पेन से, और इतना डेप्थ में कराऊंगा बढ़िया जी आपका। पहले कराऊंगा नाउन, फिर कराऊंगा प्रोनाउन, फिर याद रखना टेंस, वॉइस, नरेशन, इतने गहरे कराऊंगा बाबू जी, 7-7 दिन में टेंस, 7 दिन वॉइस, 7 दिन में नरेशन, पर याद रखना उसके बाद फिर कोई कमी नहीं रहेगी जी आपकी, ठीक है। कब चले भाई? अच्छा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं होता जी आपका, ठीक है। तो लिखो पहले सारे, लिखो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, ले लिया कोई ना ले लिया, तू ले लिया, शुड बी यूज्ड, ले लिया बिफोर द, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, ले लिया गेम, गेम ले लिया, मील, मील एम ई ए एल, हाँ जी खाना, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ले लिया, विद इट्स गिवन पजेसिव एडजेक्टिव, ए डी जे ई सी टी आई वी एडजेक्टिव, ठीक भाई। ब्रैकेट स्टार्ट करो और लिखो माई, आवर, योर, देयर, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, या अपोस्ट्रोफेस जी आपका, ठीक भाई। इन सभी कंडीशन के साथ स्टूडेंट्स आपका कोई आर्टिकल नहीं आता जी आपका, ठीक है। अब देखो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ जी, ठीक है। सबसे पहला मैंने क्या लिखवा जी आपसे, नियोफेनी लैंग्वेज, ठीक है। किसी भी भाषा के नाम के साथ जो है ना, इफ वी प्लेस आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज दैट्स रॉन्ग, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल आता है तो गलत होता है जी आपका, ठीक है। पहले लिखो सारे, एक बार लिखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ जी आई कैन स्पीक इंग्लिश, हो गया कल भी। अब इसके अंदर नोट लिखो, नोट लिखो, If we place the लिख के कोमा में क्लोज कर लो, the article, if we place the article before the name of language, the name of language, हाँ जी लैंग्वेज, इट विल वर्क,
नहीं इसको काटो, इट लिखो या यहाँ से ये लिखा ना आपका इट विल वर्क, इसको काटो लिखो। हाँ अब लिखो इट रिप्रेजेंट्स द, इट रिप्रेजेंट्स द कंट्री ऑफ दैट, पीपल ऑफ दैट कंट्री, पीपल ऑफ दैट कंट्री। ठीक है आप सभी की बात हो जी, पहले को देखो मैं हर बात का आपसे बताता चलूंगा जी, ऐसा नहीं है, पहले हो सकता है मैं उस बात का जो आपको बाद में देना चाहता हूँ जी, मैं आपको हर बात तब बताऊंगा जब उसका उसकी कोई ना कोई पॉइंट हो जाए आपकी। ठीक है यदि हम किसी भी लैंग्वेज के साथ द आर्टिकल लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उस देश के निवासी। ठीक है मैं आपके सामने तीन सेंटेंस बोलता हूं, आप फिलअप भरना जी क्या भरोगे। ठीक है मैंने कहा पहला सेंटेंस, दूसरा है आपके सामने बाबू जी चार सेंटेंस लिखे जी आपके। ठीक है आ जाओ पहले बोलो क्या बोलोगे, छोड़ दो दर्शन पहले हम क्या कहा दा, दूसरे में देखो अब क्यों आया, इसका मतलब क्या बना कि अंग्रेज लोग, पहली बात अंग्रेज लोग यहां पर जिक्र किसका हो जाए आपका लैंग्वेज का, अंग्रेजी बोल सकते हैं पहली बात। अच्छा ना इसमें नहीं आएगा जी आपका, अच्छा नीचे वाले में ठीक। अरे वाह आप तो सारे शेर हो बाबू जी, द इंग्लिश कैन डिफीट द फ्रेंच, मतलब के पीपल का जिक्र हो गया जी आपका। ठीक भाई अच्छा आगे बोलना, स्पीक क्या आएगा, नहीं आएगा ना, आगे क्या हो जाए जी आपका, आएगा जी आएगा आएगा, मतलब के अंग्रेजी बोलो लैंग्वेज होगी अंग्रेजों की, कहीं बात भी। तीसरी बात अगला है, अगले बोलना मतलब के द फ्रेंच अटैक्ड, एक बात और देखना भैया ध्यान से, ये बात सुनो पहली, दूसरी बात इसमें दिक्कत आपकी ओर देता है, कई बार क्या देता है वो मतलब क्या करता है, वो कर देगा द इंग्लिश पीपल, क्या ना सही है ध्यान से देखो ना 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 सही है, जब द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग हो गया तो इसके साथ पीपल पर्सन ये वर्ड लगाने के सारे के आज आपके गलत है, पहली बात भी समझ बात लिखो इसको सर, इसमें पीपल को हटाएंगे द को, पीपल को हटाएंगे, पीपल को हटाएंगे। ठीक है वैसे तो दैट चाहिए इंग्लिश में बट, और ये अब इसकी वजह ही बताऊंगा सारी, मैं हर तरह की वजह बताऊंगा, कई बार कंडीशन क्या होती है आपकी कई तरह की होती है, पहले लिख लो उसको सारे, एक एक सर सारे लिख ले पहले कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए अच्छा एक काम और करूंगा अभी परसों जो हम आपको देके जाऊंगा वो क्या बोल रही है, ठीक है साथ साथ चलाऊंगा यार, तुम न्यू मत जानियो मैं थारे साथ धोखा करूंगा वो नहीं है, सुन ले मेरी बात आपको दूंगा, पहले तो स्पेलिंग टेस्ट आपकी जी, स्पेलिंग टेस्ट ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट आपकी मालूम है 5-6 देगा पता हो तो आपको, उसमें CDS NDF CDS सब में होगी ना होगी जी आपकी, स्पेलिंग टेस्ट आपके देखो वो दूंगा तो लगभग आपकी श्योर है जी आपके, लगभग डेली आपने कुछ क्या करना उसका मीनिंग याद करना, आपने स्पेलिंग बतानी बस, मैं आपसे डेली के 10 सुन लूं बतेर रहेंगे 10 सुना दियो आपने बस वो बतानी बतानी है सुन तो ले, पहली बात होगी दूसरी बात फिर आपके दूंगा आपको idiom फ्रेज, idiom फ्रेज का आपको सेट दे दूंगा डेली 20-20 या 25-25 में यहाँ लेकर आ जाऊंगा जी आपके, सारा काम मैं यहीं करा के जाऊंगा, घर का बिल्कुल छोड़ूंगा आपका जी, याद करवाना मेरा मतलब है जी पहली बात तो समझ रहे भाई, तो एक दो दिन वेट और कर लो मैं वो लिख देता हूँ आपकी मैं सारी फिर आपको दे दूंगा सारी जी, हाँ जी विश्वास कर रहा है ना, 200 इंग्लिश है मैं और जिम्मेदारी कौन लेता,
अपने लेता हूँ, 200 इंग्लिश है, 200 इंग्लिश में 150 प्लस मार्क, 150 के आसपास ऊपर नीचे हो जाए ना तो मेरे को बता देना, 100 पर आ जाता मेरे को छोड़ दे, मैं स्कूल छोड़ दूंगा तेरा, बोल। पवन सर मेरे साथ पढ़ाया, वो अच्छे जानते हैं, उनसे पूछे मास्टर जी कैसा पढ़ाते हैं। अगला क्या लिखा बोलना इसके बाद, लैंग्वेज के बाद गेम पहले लिखो, सारे लिख लो, ये जी लिखो, रिया प्लेज टेनिस, रिया प्लेज टेनिस, पहली बात भी अच्छा। अगला देखो जी, अगला क्या इसे बोलना लैंग्वेज के बाद, अगला मील, अच्छा सुनो रे, अगला क्या आपका मील, मील का मतलब क्या होता है, भोजन। भैया सुन ले पहले मेरी बात, मेरी समस्या ना सुन ना सारे, क्या होता है मैंने आपसे मील, अच्छा पहले बताओ मील का मतलब क्या होता है, हो गया अच्छा, मैं यहाँ पर फूड कर सकता हूँ, मील का मतलब क्या होता है खाना, फूड का मतलब क्या होता है, फर्क क्या दोनों में, मील शाम का खाना, वो तो डिनर हो गया। अब देखो मैं आप जो एक चीज देखते हो ना, एक जो आप चीज देखते हो मार्केट में, कई बार मैं उसका वजह बताऊंगा, देखो सारे, यदि मैं आपसे मील की बात करता हूं तो मील का मतलब होता है रेडी टू ईट, रेडी टू ईट, क्लियर है, जैसे मैं बाहर से आया आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप मुझसे पूछो सर खाना खा लो, तो मील या फूड, मील, क्योंकि तैयार खाना है जी आपका, तो क्या कहते हो जी आप, मील, मील का मतलब क्या होता है, जो भोजन तैयार है खाने के, बात भी, लेकिन फूड की बात करता हूं तो फूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनी रॉ मटेरियल, क्या होता है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो भोजन अभी आपका तैयार नहीं है जी आपका, कली है, अब सुन उसके बाद वजह सुन, कच्चे चावल छोड़ ना तू, वजह बताता हूँ, सुन मेरी बात, हाँ सुन मेरी बात, आपने जैसे देखा हो खूब, आप कई बार आते हो ना शहर में, तो वहां पर क्या होता है, जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, वहां पर लिखा होता है भाई देश वाल फूड पॉइंट, होता ना होता, वहां पर फूड पॉइंट क्यों बाबूजी, वहां पर मील पॉइंट क्यों नहीं बाबूजी, मैं ठीक कह रहा हूँ, बोलो भाई, वहां पर फूड पॉइंट बाबूजी इसलिए होता है क्योंकि आप जब उसके पास जाते हो ना, आप उसके बोलो चाउमीन चाहिए, तो क्या चाउमीन तैयार है, नहीं है, दैट इज कॉल्ड, वो सुन हरेक की बात, चाहे वो छह महीने रहता है उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो आपके फूड पॉइंट होते हैं ना, इनका मतलब क्या होता है, इन सभी फूड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि उनके पास सारा मटेरियल कैसा होता है, रा, ठीक है, और जब आप उसको ऑर्डर करते हो तभी क्या होता है, आपको बना कर जाता है, इसलिए क्या होता है जी आपका फूड पॉइंट, समझ गए मेरी बात जी, ये बातें बाबा स्टूडेंट्स आपकी पूछ जाती है जी क्लोज टेस्ट में आपकी, समझ गए आपके, मैं 1000 तो वीडियो फ्रेज आपको याद करूंगा, यहाँ पर चिंता मानो याद करूंगा, ये मत मात में हमें याद करने पड़ेंगे, मैं याद करूंगा और होंगे आपको याद, ठीक है, पर शांति रखो भरोसा रखो सारी बात ठीक करूंगा जी आपकी मैं, ठीक है जी, दोनों कर लियोगे भाई, पहला मैंने क्या होता है आपसे मील, देखो किसी भी भोजन का जो नाम होता ना, भोजन के नाम के साथ कभी आर्टिकल नहीं होता जी आपका, ठीक है, पहले लिखो, हाँ लिखो, रिया इज टेकिंग लंच, रिया इज टेकिंग लंच, आर्टिकल आया नहीं आया जी आपका, ठीक है, अब नोट लिखो, नोट लिखो, इफ वी यूज मील इन पर्टिकुलर सेंस, इफ वी यूज मील इन पर्टिकुलर सेंस, ले लिया, इट ऑलवेज टेक्स लिख लिया, द आर्टिकल, द लिख के कोमा में क्लोज कर लो जी, समझ गए मेरी बात जी, यदि हम किसी भी मील का जिक्र करते हैं तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यदि हम मील को किस में करें जी, पर्टिकुलर सेंस में, क्या लेगा जी आपका, द आर्टिकल, जैसे कई बार क्या होता है आप सफर कर रहे होते कहीं, है ना, सफर में क्या होता है, रास्ते में आपको भूख लग जाती है, आप भूख लगती है तो आप क्या करते हो, किसी होटल में खाना खाते हो, ठीक है, जैसे ना आप, मैं आपको ये कहूँ, आप क्या बोलते हो उसको, रेस्टोरेंट, भैया रेस्टोरेंट कहना गलत है जी आपका, उसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, रेस्टोरेंट, क्या होती है,
ना कि रेस्टोरेंट, क्या होता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट हाँ उसकी सुनो, अब जब मैं हिंदी बजाता हूँ तो उसको हिंदी मालूम क्या मिलता है, रेस्तरा लिखा होता हूँ, गलत है जी आपका स्पेलिंग सही है, लेकिन रेस्टोरेंट जो नेटिव स्पीकर जो बोलते हैं, अंग्रेज जो बोलते हैं, अंग्रेज जो बोलते हैं इसको रेस्टोरेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट, पहली बात। अच्छा आप मान के चलो आप कहीं पर सफर कर रहे हो और आपको रास्ते में कहीं भूख लगती है, आप क्या करते हो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, कई बार क्या होता है कि वहां का भोजन आपको इतना अच्छा लगता है कि आप सोचते भाई ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया, बोलते ना बोलते जी। दूसरी बात, मैं खाना हर रोज खाता हूं, लेकिन मान के चलो मैं यहाँ पर आया, आप कोई खाना लो सर आप खाना खाओ, मैंने खाना खाया तो आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा, मैं कहता हूँ भाई कल जो हिम्मत ने मुझे खाना दिया था ना बहुत स्वादिष्ट था जी, इसका मतलब जी किस लंच का है जी, जो मैंने इसके साथ किया था, पर्टिकुलर सेंस में कोई भी हो जाएगा, स्टूडेंट्स क्या लेगा जी आपका द आर्टिकल, करी है बोल नहीं रहे हो लिखो क्या मील है जी आपका, आर्टिकल नहीं आएगा जी आपका, भाई मैंने कहा जनरल सेंस की बात होगी, आर्टिकल नहीं आया जी आपका, अब आगे लिखे इसके अंदर। हाँ जी अरोमा के साथ आएगा, अरोमा आप किसकी अरोमा अपने में है क्या क्या है होटल हो गया जो मतलब सर रियल फूड की सुगंध आती है उसको कहते हैं, देखो फिर वो अपने आप में क्या है, मैंने कहा लैंग्वेज सपकपन की चीज है जी आपकी, जैसे मैंने उस दिन आपसे बताया था भाई गिव मी ए पेन गिव मी वन पेन कंडीशन होगी जी आपकी, हर चीज अपने आप में जैसे कोई होती है ना स्पीकर के लिए परफेक्ट है ना, तो द आर्टिकल लेती जी आपकी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि जैसे द ताज आर्टिकल लेता है जी आपका, अरोमा द लगाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एरिया के अंदर वो होटल आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक है जी आपका, समझ रहे हो, हालांकि लगाते हैं स्पोकन में सही है वो, लेकिन उसका मतलब क्या कि वो होटल उसी एरिया के अंदर स्पेसिफिक है जी आपका, पहले मेरी बात थी, अदरवाइज तो होटल बहुत सारे ज्यादा है जी आपके, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर जो उस एरिया के अंदर होता है तो द आर्टिकल लगाता है जी आपका। आगे सुनिए मैं, अच्छा क्या लिखा आपने, इट विल ऑलवेज टेक द आर्टिकल, हां लिखो द लंच, द लंच लिख लिया, दैट यू सर्व मी द लंच दैट यू सर्वड एस ई आर वी ई डी सर्वड मी लिख लिया वाज वेरी डेलिशियस, वाज वेरी डेलिशियस डी ई एल आई सी आई ओ यू एस, अमेरिकन में क्या होता है डिलीशियस, ब्रिटिश में डेलिशियस, और आपका जो पेपर आता है वो अमेरिकन में नहीं ब्रिटिश में आता है जी, पहली बात है, ठीक है होगा क्या, हाँ डी एल आई सी आई ओ यू एस होगा। एक और लिखो इसके बाद क्या अगला बोलना, गेम बता दिया अपने एग्जांपल आपसे, नहीं जो गेम होते हैं ना वो अपने पर्टिकुलर के साथ इसका कोई रीजन नहीं है जी, गेम के साथ कोई आर्टिकल होता है जी, किसी होती है नहीं, ये जो अपने आप में हो गया ना ग्रामर जो बोलती है कि ये जो अपने आप में आर्टिकल होता है स्पेसिफिक सेंस में जी आपका, जब ये टेनिस का जिक्र हो ही गया तो आर्टिकल नहीं होता जी, गेम के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं होता जी आपका, जैसे आप राम कहता हूं तो राम अपने में स्पेसिफिक है, द आर्टिकल आएगा नहीं आएगा जी आपका। अच्छा आप सोच जरा, मैंने कहा द क्रिकेट मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, किस मैच का, मैंने कहा द का यूज कब होता है, द का यूज कब होता है लिस्नर को पता हो, क्लियर है। अब मैं कहता हूं द क्रिकेट मैच विल बी वो मैच, वह मैच का मतलब कि आगे आने वाला मैच, समझ गए। एक बात और देखो भाई, मैं आपसे कहूं देखो ब्रिंग, ठीक है ब्रिंग चेयर, ठीक है फ्रॉम डैश रूम बर आर्टिकल से, बस बरो आर्टिकल ट्राई करो, मैं सोचने मजबूर करूंगा जी आपको, ब्रिंग पहली बात होता क्या करूं मैं, दा अब सही है, और इसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों में दा भी हो सकता है, कुछ समझ रहे मेरी बात, सुनो मैं बताता हूँ, देखो ये सिचुएशन अलग है जी आपकी, सिचुएशन अलग है ये, आप जो बोलते ना गलत नहीं बोल रहे, मैं आपको गलत नहीं बता रहा मैं, पर मैं ये कह रहा हूँ हर की कंडीशन आपकी अलग अलग हो सकती है, लैंग्वेज है जी आपकी, ठीक है। मैं आपसे कहूँ
जा भाई उस कमरे में आता है एक चेयर लिया। कौन से कमरे की बात कर रहा हूं? जो कमरा सामने है, कमरा एक है होगा, उसमें कई कुर्सियां हैं। सोचना जरा, कमरा मैंने बताया उस कमरे में से स्पेसिफिक हुआ डार्टिकल होगा, कई कुर्सी कई में से एक लेके आनी है, समझ गए? बोल नहीं रहे हो? तो ब्रिंग ए चेयर मतलब कि उस कमरे में से कुर्सी लिया होगा, ये हुई आप वाली बात से आपकी, ठीक है। अच्छा अब यूं हो तो सुन ले, यूं हो तो सुनो, ये कमरा है इसमें एक का चेयर है, मैं कहता हूँ उस कमरा में कुर्सी उठा लिया, कुर्सी का ही पता है चेयर का ही पता है, समझ गए? तो क्या कहोगे? ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द, समझ गए भाई? बोल नहीं रहे हो? यस सर। तीसरी बात, एक बात मैंने कहूँ जा ये कमरा मत कहता, कोई सा कुर्सी उठा लाए, कितने कमरे हो गए? रूम में याद आएगा, कितने 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 हो गए? कितने कई कमरे हो गए? एक कमरा यो, सुनो भाई एक कमरा यो, देख कितने कमरे स्कूल के अंदर हो गए, तीन चार कई कमरे हैं, इनके अंदर कई कुर्सियां हैं कि ना, अपना में सब में अलग अलग है भाई। अब मैंने कुछ जा रहे हैं एक कमरे में से कुर्सी लिया, तो कमरा का पता है किसका? नहीं पता। तो क्या कहोगे जी? ए कुर्सी का पता है? नहीं पता। तो क्या कहोगे जी आपका? चेयर पता हो ना बताओ, चेयर पता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी आपका, चेयर पता हो रूम ना पता हो, ठीक है। तो हाँ सुन, फिर कंडीशन क्या हो जाएगी? चेयर पता हो, मैं कहता हूँ पूरे स्कूल के अंदर एक वोबलिंग, एक वोबलिंग चेयर है, तो क्या कहोगे? ब्रिंग द चेयर, मतलब कि वो कुर्सी किसी कमरे में होगी ले आ, ठीक है, ठीक है, समझ रहे ना? समझ रहे जी, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई जैसे मान के चलो कल मैंने आपको एक कुर्सी दी, ठीक है, कुर्सी दी, ठीक है, वो कुर्सी आपने क्या कहा किसी पूरे स्कूल में कहीं रख दी, मैं कहता हूँ वो कुर्सी ले गया किसी कमरे में आते हैं, तो आपको कमरे का तो नहीं पता, तो ब्रिंग द चेयर वो कुर्सी, गली बात, ये लैंग्वेज है जी आपकी, हर बार कंडीशन आपकी पढ़ती है जी आपकी, ये सेंटर जो आपको दूंगा ना इनमें इसी तरह की बात मिलेंगी जी आपके मोस्टली सारी, गली बात भी आगे सुनो। अच्छा जी रफ कर दूँ भाई इसी में, हो गया यहाँ तक बात कर, कर दे हो गया। अच्छा अगला बोलना इससे क्या है? अगला मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? शाबाश। और मटेरियल में, ठीक है, मतलब के मटेरियल का मतलब क्या होता है? यदि नहीं पता होता मैं बता देता हूँ, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा ना, आपको नहीं पता हूँ। मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा तरल पदार्थ, धातु है धातु, जिससे कोई दूसरी चीजें बनाई जाए, एनी रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ओनली फीलिंग्स, फेल्ट ओनली, जिस चीज को आप महसूस करते हो, इनके साथ जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं होता जी आपका, ठीक है। लिखो पहले, मैं बोलता हूं आपसे, मैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस ऑनेस्टी का मतलब क्या समझाया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जी आपका, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या कहोगे? लिखो वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। मैं कहता हूं सोना कीमती धातु है, होगा लिखो गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, पहली बात। इन तीनों सेंटेंस के अंदर देखता हूं तो आर्टिकल आया नहीं आया जी आपका, क्योंकि तीनों के अंदर कोई आपका बेस्ट के साथ आया, मैंने कल लिखवा था आपसे जी, सुपरलेटिव है जी आपकी, आर्टिकल आ गया, बोल नहीं रहे हो? किसके साथ? मेटल अपने आप में नाउन है, काउंटेबल है, मेटल का मेटल्स कर सकते हो, धातु धातुएं मेटल के साथ है, गोल्ड के साथ नहीं आया जी आपका, मैंने जिक्र किया है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जी, आप कलिया है, बोल नहीं रहे भाई, ठीक है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। अब इसके अंदर नोट लिखो जी, नोट लिखो, नोट लिखो, इफ इफ वी यूज, इफ वी यूज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इफ वी यूज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पर्टिकुलर सेंस, इफ वी यूज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पर्टिकुलर सेंस, ले लिया, दे ऑलवेज टेक द आर्टिकल,
दे ऑलवेज टेक दा लिख के कोमा में क्लोज कर लो दा आर्टिकल। पहली बात, यदि हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं तो क्या लेंगे जी आपके, ये द आर्टिकल। अनिश कली बात, हेमंत समझ बात, रोहित कली बात भी, तो मतलब के किस में हो आपकी पर्टिकुलर सेंस में। अनिश हेमंत रोहित आपका नाम बताओ, मंजीत ठीक है, आपका नाम क्या है जी, नीरज, मैं याद रखूंगा नीरज नाम है आपका, ठीक है कोई नहीं, ठीक है बस कोई नहीं, आप सारे मीठे कड़वे सारे ठीक है मेरे लिए, ठीक है। पहली बात भी बस रे, पहली बात क्या समझ आपको, किस में आपका ये पर्टिकुलर में किस में हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि इस बोतल का पानी पीने योग्य नहीं है, पहली बात भी तो लिखो द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट पोटेबल, POTABLE, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड लिख लो, पॉन्ड मान के तालाब, इज नॉट पोटेबल, ठीक है, इसी तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है, पहली बात है, पहली बात। दूसरा लिखो, अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, सोना कीमती धातु है, महंगी चीज है जी, आगे लिखो इसके अंदर, द गोल्ड ऑफ श्रीलंका, द गोल्ड ऑफ श्रीलंका इज वेरी चीप, CHEAP, ठीक है, श्रीलंका का सोना काफी सस्ता है, पर्टिकुलर सेंस में कोई भी हो क्या लेगा जी आपका, वो द आर्टिकल लेगा। मेरी दोनों बात करी भाई, ठीक है भाई, अगला बोलना। अच्छा आप सुनो भाई, कल मैंने आपसे बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री क्या लेती है, द आर्टिकल है ना, द बेस्ट द टॉलेस्ट द यंगेस्ट, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका क्या दिया होगा इनको, पजेसिव एडजेक्टिव, कौन से, माई अवर लिखो सारे, तो आपका आर्टिकल नहीं आएगा, याद है पहले कैसे आ रहा था, माई बेस्ट अधिकार पे होगा, बेस्ट से पहले क्या आपका माई आर्टिकल आया। कल की क्लास से मैंने जिक्र किया था वाल्मीकि रामायण नया ना जी आपका, पजेसिव केस जब भी होता ना, मैंने बताया था कुतुब मिनट, समझ गए जी आपका, तो मतलब के जब भी आपका इनसे पहले किसी पॉजिटिव केस का जिक्र है स्टूडेंट्स, आर्टिकल नहीं आएगा जी आपका, ठीक है। लिखो राम्स बेस्ट बुक, पहली बात भी, दूसरा लिखो माई बेस्ट फ्रेंड, ओके क्लियर, ये तो आज आपका जहां पर आर्टिकल आपका यूज नहीं होता, ठीक है। इसके आगे और लिखो, एक एडिंग बना के लिखो, अंडरलाइन कर दो सारे को, यहां तक सारे को कर दो अंडरलाइन कर दिया। अब अगला पॉइंट लिखो, नो आर्टिकल ले लिया, शुड बी यूज्ड बिफोर द, no article should be used before the following words in general sense, ठीक भाई, ब्रैकेट बना के लिखो, school, college, university, hospital, temple, सिनेमा, बेड BED बिस्तर, ठीक है। देखो भाई क्लोज कर लीजिए, इनके अलावा चाहे कित
कितने भी चीज हो जी, आपको कितनी भी एकेडमी भी आ गई, बस स्टैंड भी आ गया, सब कुछ आ गया जी, मतलब के जिस चीज का प्राइमरी पर्पज हो, क्या हो प्राइमरी पर्पज की बात करो तो पहला उद्देश्य, ठीक है। अच्छा, स्कूल का पहला उद्देश्य क्या होता है? पढ़ना, शिक्षा, पढ़ना, ठीक भाई। कॉलेज का भी, चर्च का, टेंपल का, ठीक है, हॉस्पिटल का, बचाना नहीं, ट्रीटमेंट, पहली बात दी। तो मतलब के जब भी इन चीजों का प्राइमरी पर्पज होता है तो आर्टिकल आपका नहीं आता जी, आपका पहली बात दी, लिखो पहले, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, सॉरी आई वेंट टू हॉस्पिटल ना पहले करिए, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू टेक मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन, आर्टिकल आया नहीं आया, ठीक है। मैं कहता हूं राम स्कूल जाता है, क्या कहोगे? राम गोज टू, आर्टिकल नहीं आया जी आपका। तो मतलब के जब इनका रेगुलर पर्पज है, जो काम हम हर रोज उसके लिए जाते हैं, तो आर्टिकल आपका नहीं आता जी आपका। नहीं, रोज की बात नहीं, उसका पर्पज क्या है, उसका हॉस्पिटल का, उसका मेन पर्पज क्या है हॉस्पिटल का, मेडिसिन। स्कूल में आप हर रोज जाते हो, लेकिन पर्पज क्या है, शिक्षा जी आपका, कली बात है। तो मतलब कि उस चीज का जब फर्स्ट पर्पज हो तो आर्टिकल आपका नहीं आता, कली है। मेडिकल स्टोर भी हो तो इसमें क्या है आपका, मेडिकल स्टोर में क्या करते हो, दवाई लेने जाते हो, लेकिन मेडिकल स्टोर के ऊपर आपका कोई दुश्मन बैठा है, उसको पीटने हैं, तो पर्पज कौन सा हो जाए आपका, सेकंड, तो द आर्टिकल हो जाएगा आपका। स्कूल में क्या होता है, मेडिसिन, सॉरी आप जैसे स्कूल में क्या है, जैसे आप, मेरा पर्पज क्या है, पढ़ाना, हो गया। लेकिन मां के तो स्कूल में मेरे भाई का लड़का पढ़ता है, मैं उसका उससे मिलने के लिए आया हूं, तो पर्पज कौन सा हो जाए आपका, सेकेंडरी, पहली बात भी। तो प्राइमरी पर्पज के अंदर स्टूडेंट्स आपका कोई आर्टिकल नहीं होता जी आपका, ठीक है, लिख लिया। अब नोट लिखो, हाँ नोट लिखो, फॉर सेकेंडरी पर्पज लिख लिया, वी शुड ऑलवेज यूज लिख लिया द आर्टिकल, दाल लिख के कोमा में क्लोज कर लो भाई सारे। जब भी आपका सेकेंडरी पर्पज होता है तो आपने क्या लगाना जी, द आर्टिकल, हाँ द आर्टिकल आएगा जी आपका। स्कूल का पर्पज होता क्या है, पढ़ना जी, ठीक है, लिखो। आप जैसे मान के तो हॉस्पिटल का पर्पज मैंने क्या बताया, ट्रीटमेंट है ना, लेकिन आपका कोई रिलेटिव वहां पर मान के लो बीमार है, आप उससे मिलने के लिए गए हो, कौन सा वजह आपका, सेकेंडरी पर्पज, ठीक है, लिखो। आई वेंट, हाँ एग्जाम्पल इंग्लिश का, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल लिख लिया, टू मीट माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड, सेकेंडरी पर्पज होते क्या होते स्टूडेंट्स आपका, आर्टिकल, पहली बात भी। ये स्टूडेंट्स आपका आर्टिकल कहानी थी जी आपके सारे, अनिश जल्दी से सेट ले उठा के, अब मैं आपको सेट दूंगा सारा, ठीक है जी, बोले नहीं कोई, पहली बात सुनो, मैं दूसरी बात, एक बात और बताऊं,